नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 TB के WD के पासपोर्ट जो हार्ड डिस्क है उसका अनबॉक्सिंग करूंगा। ये मैंने मंगाया है amazon.in से और ये मुझे पड़ा है 7599 समथिंग। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप भी जो परफेक्ट जो एग्जैक्ट है उसको आप परचेज कर सकें। ये मैंने ब्लैक कलर में दोस्तों मंगाया है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा वीडियो में, और काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी अच्छा हार्ड डिस्क है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड मुझे मिली है दोस्तों, वो मुझे 30 से 35 MB/s मिल रही है। ये छोटा सा आपको डब्बा मिलेगा बॉक्स में, साथ ही साथ आपको एक 3.0 का USB केबल मिलता है, ठीक है। और आपको आप देख सकते हैं, इसको नॉर्मली आपको लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऐसे लगा देना है और इसको आपको लगा देना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। अलग से कोई पावर की जरूरत नहीं है, कोई अडैप्टर आपको नहीं दिया गया है। अब मैं बात करूँ दोस्तों इस हार्ड डिस्क को, आप इसको यूज़ करने के लिए करना कुछ नहीं है। एक बार जैसे परचेज करेंगे आप इसको तुरंत फॉर्मेट कर लीजिएगा, नॉर्मली फॉर्मेट करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए अच्छा हो जाएगा और काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी हल्का है दोस्तों। तो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी तक इसमें 100 GB डाला है, तो काफ़ी अच्छा स्पीड मुझे मिला है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यही अनबॉक्सिंग था। इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, और भी अलग कोई वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।